हाँ भाग 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 भाग, उधर देख उधर, भाग भाग, हाँ मार 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 मार, पकड़ पकड़, पीछे कर उसको, मार गोली मार, गोली मार, गोली मार उसको, वो गया वो गया, उधर 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 देख उधर, पीछे हट पीछे हट पीछे, गोली लग जाएगी पीछे, हाँ चला गोली चला कर, क्या सारे दिन इस गेम में घुसे रहते हो, कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? बच्चे यहाँ भूखे मर रहे हैं, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, और इनको देखो सारे दिन गेम में लगे रहते हैं। सारे दिन काम करो, बच्चों को संभालो, और कुछ कह दो तो जनाब को गुस्सा आता है। इस पबजी खेल खेल के इतने चिड़चिड़े हो गए हैं ये, इनका स्वभाव इतना अच्छा था, लेकिन आजकल तो बस इनको बोलो ही मत। तुम तो बस पीछे ही पड़ गई, तुम्हारा तो ये रोज का किट पीट किट पीट, चैन से रहने ही नहीं देती, सारा दिन दिमाग खाती रहती हो। पापा पापा मैं भी पबजी खेल ले दो, खुद तो सारे दिन पबजी में घुसे रहते हैं और हमें खेलने ही नहीं देते, बोलते रहते हैं पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, क्या पढ़ाई कर लो, जाओ खाना लेके आओ हमारे लिए, खुद तो इस पबजी में घुसे हुए हैं, पबजी ले आओ हमें। तुम टिंगरा को खेलने के सिवा कोई काम नहीं है, चलो भगो यहाँ से, खेलेंगे पबजी, खेलने दो मुझे पबजी। घर में एक अन्न का दाना नहीं है, खाओगे क्या? ये पबजी वाले बोरी थोड़ी ना गिरेंगे, कुछ करोगे इधर उधर घूमोगे तभी तो खाना मिलेगा। मेरे ऊपर यहाँ बच्चों की जिम्मेदारी है, वरना कौन पूछता है तुम्हें? अजी भगवान बस इतनी सी बात, अभी खाने की व्यवस्था करता हूँ, तुम तो बस पीछे ही पड़ जाती हो। मोर खाने के लिए सोच ही रहा था कि तभी वहां से एक आदमी अनाज की टोकरी लेकर गुजर रहा था। मोर ने जब उसे देखा तो उसे एक आइडिया सूझा, और अब मोर ने उस आदमी से कहा, अरे भैया ये अनाज की टोकरी कहाँ लेके जा रहे हो, इसे तो तुम मुझे ही दे दो। मैं तो इस अनाज को शहर बेचने के लिए ले जा रहा हूं, और इसे बेचकर कुछ पैसे कमाऊंगा, तुम्हारे को टोकरी देने से मुझे क्या फायदा होगा, फोकट में मैं तुम्हारे को यह अनाज नहीं दूंगा, मुझे देने के लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरे पास तो ये बड़े बड़े सुंदर पंख हैं, जिसे तुम यदि शहर ले जाकर बेचोगे तो तुम्हें इनका बहुत ज्यादा दाम मिलेगा, अनाज से भी ज्यादा। बात तो सही है तुम्हारी, अच्छा ठीक है, यह सौदा मुझे घाटे का नहीं लग रहा है, तुम मुझे तुम्हारे पंख दे दो और यह अनाज की टोकरी ले लो। मोर ने व्यापारी को पंख दे दिए और अनाज की टोकरी रख ली, और मोरनी से कहा, देखा कर दी ना व्यवस्था तुम लोगों के खाने की, अब तुम अपना मुंह बंद रखो। और मोर दोबारा पबजी खेलने लग गया। खेलते रहो, लेकिन एक दिन याद रखना ये गेम बहुत भारी पड़ेगा आपको। हाँ हाँ देख लेंगे, तुम अपना काम करो, बड़ी आई मुझे समझाने वाली, काम धाम तुमसे कुछ होता नहीं है, सारे दिन किट पेट किट पेट। अब मोर रोजाना पबजी खेलता रहता, और जब भी अनाज की जरूरत होती वह उस व्यापारी को पंख देता और अनाज की टोकरी ले लेता। यह सिलसिला महीने भर तक चलता रहा, और एक दिन ऐसा आया कि मोर के पास एक भी पंख नहीं बचा।
अब कहाँ से लाओगे अनाज? अब तो तुम्हारे पास एक भी पंख नहीं बचा, गंजे हो गए हो। और ये पबजी खेल खेल के तुम्हारी आंखें भी खराब हो गई और दिमाग भी, दोनों खराब हो गए। तुम अब किसी काम के नहीं रहे। अब मेरे बच्चे भी समझदार हो गए, मैं जा रही हूँ, खेलते रहो ये पबजी। और यह कहकर मोरनी मोर को छोड़कर चली गई और मोर देखता ही रह गया। रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, रुक जाओ। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं सारे दिन इस घटिया गेम को खेलता रहा और उसकी और अपने बच्चों की परवाह तक नहीं करी। अब इस गेम की वजह से मेरी आंखें भी खराब हो गई हैं और पंख भी नहीं बचे। मुझे तो अनाज का दाना भी दिखाई नहीं देगा और ऐसे तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और तुम मुझे छोड़ के चली गई। और कुछ दिनों बाद मोर की भूख के कारण मृत्यु हो गई। एक जंगल में एक पेड़ पर टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी बहादुर होने के साथ साथ चालाक भी थी। वह सारे दिन इधर उधर फुदकती रहती। उसी जंगल के पास में एक डमरू नाम के राजा का महल था। महल बड़ा ही खूबसूरत था। टूनी अक्सर महल के ऊपर बैठा करती थी और आराम फरमाती थी। एक दिन जब टूनी महल के ऊपर बैठी थी, तब उसने देखा कि महल की छत पर एक कांच का गुलदस्ता रखा हुआ है। गुलदस्ता बड़ा ही खूबसूरत था और उस गुलदस्ते को देख के टूनी को एक शरारत सूझी। उसने कांच के गुलदस्ते में चोंच मारना शुरू कर दिया। टूनी को गुलदस्ते में चोंच मारने में मजा आ रहा था। टूनी पूरे दिन उस गुलदस्ते में चोंच मारती रही। और अब अगले दिन टूनी अपने दोस्तों के साथ आ गई और गुलदस्ते में चोंच मारना शुरू कर दिया। गुलदस्ते में चोंच मारने की वजह से जोर जोर की आवाज़ें होने लगी। अब यही आवाज़ें अंदर बैठे राजा के कानों में गई। तब महल के अंदर बैठे राजा ने कहा, यह किस तरह की आवाजें आ रही है मंत्री जी, जरा देखो तो। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी देखता हूं। अब मंत्री ने महल की छत पर जाकर देखा। मंत्री ने देखा कि गुलदस्ते को चिड़िया बड़े जोरों से चोंच मार रही हैं। और मंत्री ने उन चिड़ियाओं को उड़ाने की कोशिश की और इसी कोशिश में गुलदस्ता महल की छत से नीचे गिर गया और टूट गया। अब मंत्री ने राजा के पास वापस जाकर कहा, महाराज क्षमा करें, आपका कीमती गुलदस्ता टूट गया। क्या, कीमती गुलदस्ता टूट गया? मगर कैसे, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इस गुलदस्ते को तोड़ दिया? महाराज यह कारनामा उस टूनी का है जो आपकी छत पर बैठी थी और उस गुलदस्ते को जोर जोर से चोंच मार रही थी। इस टूनी की तो मैं इस टोनी को तो सबक सिखाना पड़ेगा। मंत्री एक काम करो, चारों ओर यह खबर भिजवा दो कि कोई पक्षियों को दाना नहीं डालेगा। जो आज्ञा महाराज। अब महाराज के आदेशानुसार लोगों ने पक्षियों को दाना डालना बंद कर दिया और इसी से परेशान होकर
टूनी चिड़िया ने एक बैठक बुलाई। देखो मेरे साथियों, महाराज ने हमारा दाना पानी बंद कर दिया है और ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। इसलिए यदि भूख से बचने के लिए किसी के पास कोई सुझाव है तो बताओ। सभी पक्षी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तभी उनमें से एक बूढ़ी चिड़िया बोली, देखो हमारे पास अभी भी खाने के लिए जंगल के फल हैं और उन्हें हम खा सकते हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, इससे तो हमारी भूख मिट जाएगी। अब यह बात राजा को भी पता चल गई और उसने टूनी को सबक सिखाने की सोची। मंत्री, यह टूनी तो बहुत चालाक निकली, इसका तो कुछ और हल निकालना पड़ेगा। हाँ महाराज, इन पक्षियों का तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खासकर उस टूनी का। मंत्री जी, क्यों ना हम इन पक्षियों को एक पिंजरे में बंद कर कहीं दूर छोड़ आए। मगर महाराज, ये सब पिंजरे में कैसे घुसेंगे? सवाल तो अच्छा है मंत्री जी, हम उन्हें कुछ लालच देकर पिंजरे में घुसा लेंगे और पिंजरे का दरवाजा ऐसा बनवाएंगे कि पिंजरे में घुसते ही वह बंद हो जाए और उस पिंजरे को कहीं दूर फेंक देंगे और ये सारे पक्षी उस पिंजरे में ही भूखे मार जाएंगे। हाँ महाराज, आइडिया तो अच्छा है। तो फिर जल्दी से पिंजरा बनवा लो, फिर उसे लेकर टूनी के पास चलते हैं। अब पिंजरा बनते ही महाराज टूनी के पास आ गए। हेलो टूनी, कैसे हो? देखो हम तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। यह बड़ा सा पिंजरा जिसमें खाने व पीने की सारी व्यवस्था है। अब तुम्हें भोजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, तुम सब इसमें आ जाओ और मजे से रहो। देखो महाराज, हम तो आजाद पंछी हैं, हम पिंजरे में नहीं रह सकते, हम आसमान में उड़ने के आदी हैं। आजादी की चिंता तुम मत करो टूनी, इस पिंजरे का दरवाजा खुला ही रहेगा, तुम जब चाहो इसमें आ सकती हो और जब चाहे आसमान में उड़ सकती हो। अब टूनी को शक हुआ और वह राजा की चालाकी समझ गई और उसने सोचा, यह खड़ूस राजा जो हमें देख नहीं सकता था, आज इतना प्यार से बात कर रहा है और हमारे लिए यह पिंजरा बनाकर लाया है। जरूर दाल में कुछ काला है। महाराज, हमें तो समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, एक बार आप खुद इस पिंजरे में जाकर दिखाइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें इस पिंजरे में जाकर दिखाता हूँ। और महाराज बड़े जोश से पिंजरे के अंदर चले गए। महाराज भूल गए थे कि पिंजरा का दरवाजा ऑटोमेटिक है और उसकी चाबी नहीं है। जैसे ही महाराज पिंजरे के अंदर घुसे, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया और लॉक हो गया। अरे बचाओ मुझे, बचाओ, इस पिंजरे से बाहर निकालो मुझे, खोलो इस पिंजरे को। अरे बचाओ मुझे, बचाओ, इस पिंजरे से बाहर निकालो मुझे, खोलो इस पिंजरे को। जैसी करनी वैसी भरनी। तीन दिन से कुछ खाने को नहीं मिला और यदि आज भी कुछ नहीं मिला तो मैं भूखा मर जाऊंगा। अरे वाह, हाथी
लगता है भगवान ने मेरी सुन ली। ये तो महीने भर का खाना है, चलो इसके पास चलकर देखते हैं। हाथी के पास जाने के बाद शियार उसे खाने की कोशिश करने लगा। अरे इस हाथी की चमड़ी तो बहुत मोटी है, मुझे तो काटी भी नहीं जा रही। इसकी चमड़ी काटने के लिए तो कोई उपाय सोचना पड़ेगा। सियार सोच ही रहा था कि तभी वहां शेर आ गया और शियार ने शेर को देखते ही कहा, मैं महाराज आइए, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। देखो मैंने हाथी को मारकर आपके लिए रखा है, इसका मांस ग्रहण करें महाराज। तुमने क्या मुझे उल्लू समझा है? तुमसे तो चींटी भी नहीं मरती। यह मरा हुआ हाथी यहां 2 दिन से पड़ा है। और रही बात शिकार की, शेर अपना शिकार खुद करते हैं। ये सड़ा हुआ मांस तो तुम जैसों के लिए है। यह सुनकर शियार बहुत खुश हुआ और शेर भी वहां से चला गया। अब शियार वापस से हाथी की चमड़ी कैसे फाड़े इसका उपाय सोचने लगा। शियार सोच ही रहा था कि तभी वहां बाघ आ गया। बाघ ने हाथी को देखकर अपने होठों पर जीभ घुमाई और यह देखकर शियार समझ गया कि बाघ हाथी को खाना चाहता है। और तभी शियार ने बाघ से कहा, अरे बाघ भैया यूं न ललचाओ, ये शेर राजा का मांस है और मुझे उन्होंने इसकी रखवाली के लिए रखा है। जान प्यारी है तो तुरंत निकल लो, शेर राजा आते ही होंगे, कहीं तुम्हें देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। शियार के यह कहते ही बाघ डर गया। अच्छा ठीक है, मैं कोई और शिकार देख लेता हूं। अब बाघ भी वहां से चला गया और शियार फिर से बहुत खुश हुआ। और शियार वापस से हाथी की चमड़ी कैसे फाड़े उसका उपाय सोचने लगा। शियार सोच ही रहा था कि तभी वहां चीता आ गया। उसने भी मरे हुए हाथी को देखकर अपने होठों पर जीभ घुमाई। अब शियार भी चीते की मंशा समझ गया और उसने चीता से कहा, अरे चीता जी तुम तो बड़े किस्मत वाले हो जो बड़े आराम से घूम रहे हो। देखो ना शेर ने मुझे तो इस मरे हुए हाथी की रखवाली के लिए लगा दिया है, मैं इसे खा भी नहीं सकता। खैर छोड़ो, तुम मुझे भूखे लग रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भोजन की तलाश में तुम इधर उधर भटक रहे हो। तुम मेरे अच्छे मित्र हो, इसीलिए तुम चाहो तो थोड़ा सा मांस खा सकते हो। मैं थोड़ी दूर पहरा दे देता हूँ,
और जैसे ही शेर आएगा मैं तुम्हें आवाज लगा दूंगा, तुम भाग जाना। शियार के बार बार कहने पर चीता राजी हो गया और मांस खाने को तैयार हो गया। अच्छा ठीक है, लेकिन जैसे ही शेर आए तुम जरूर बता देना, वरना आज मौत आ जाएगी। अब चीते ने हाथी की मोटी चमड़ी को जैसे ही काटा, वैसे ही शियार ने शोर मचाना शुरू कर दिया। शेर आया भागो, शेर आया भागो। यह सुनते ही चीता वहां से डर के मारे भाग गया और अब शियार बहुत खुश हुआ और उसने हाथी को आराम से कई दिनों तक खाया।